बसपा में किए जा रहे हैं बड़े बदलाव। उत्तर प्रदेश के 12वीं विधानसभा के चुनाव होने जा रहे हैं। इन चुनावों से पहले बसपा ने अपनी पार्टी में कई फेरबदल किए हैं। बसपा की 9 मंडलों की बैठक के बाद बसपा कार्यकर्ताओं व पदाधिकारियों के नाम बसपा सुप्रीमो मायावती ने संदेश जारी किया है। इस संदेश में 3 मंडलों को मिलाकर एक जोन बनाने की बात कही है। मंडल के प्रमुख अब जोन के इंचार्ज के रूप में काम करेंगे। उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री रज की बसपा सुप्रीमो मायावती ने कहा कि बूथ लेवल पर कमेटी का गठन किया जाए। सभी पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं को उपचुनाव में जी जान से लग जाने व पार्टी के कार्यकर्ताओं व पदाधिकारियों को जनता के बीच जाने के लिए कहा है। शनिवार को बसपा की 9 मंडलों की बैठक खत्म हो गई है। इस बैठक में उपचुनाव को लेकर चर्चा की गई थी। साथ ही जिन 12 विधानसभा सीटों पर चुनाव होने हैं उन सभी पर प्रत्याशी उतारने का फैसला लिया गया है। इससे पहले लोकसभा चुनाव में बसपा ने सपा के साथ मिलकर गठबंधन के साथ चुनाव लड़ा था, जिसमें अपेक्षा के मुताबिक नतीजे न आने के कारण गठबंधन को तोड़ दिया गया। अब बीएसपी ने उपचुनाव में को अपने दम पर लड़ने का फैसला लिया है। इस गठबंधन में दोनों दलों के बीच इस बात को लेकर सहमति बनाई गई थी कि लोकसभा चुनाव में बसपा सुप्रीमो मायावती को प्रधानमंत्री के तौर पर सपा पेश कर अपनी सहमति जताएगी और सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री के उम्मीदवार के तौर पर पेश करेगी। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।